हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन बहुत ही आसान है बनाने में। इस डिजाइन को आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट, मफलर किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। ये डिजाइन सिर्फ 4 रोज का डिजाइन है, आपको ये 4 रो रिपीट करना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 5 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 5। देखिए, रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। ये डिजाइन आपको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, फर्स्ट रो आपको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 6 2 टाइम्स 6 12 प्लस 5 एज स्टिच करके टोटल 17 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं रॉन्ग साइड से, एज स्टिच को स्लिप करना है। फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर यहाँ पर आपको देखिए धागा आगे रखना है। 3 फंदा में आपको 1 2 3 3 फंदा में आपको 2 2 बार एन ओवर करके उल्टा बुनना है। देखिए ऐसे 1 2 1 1 2 2 1 2 3। देखिए, अब आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर 3 फंदा में आपको 2 2 बार एन ओवर करना है। देखिए, फिर से रिपीट करना है। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर 3 फंदा में 2 2 बार एन ओवर करना है, 1 2 3। देखिए, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। फिर लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा, सॉरी 4 फंदा बचेगा, इसको उल्टा बुनना है, 1 2 3 4। देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है रॉन्ग साइड। अब सेकेंड रो राइट साइड, एज स्टिच स्लिप करना है। फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर धागा आगे करना है। देखिए, 3 फंदा अब आपको एन ओवर किया फंदा को आपको अनरैप करना है, 1 2 3। देखिए, अभी 3 फंदा में आपको उल्टे से आपको 3 फंदा में 1 फंदा बनाना है फर्स्ट में। फिर इसको ड्रॉप नहीं करना है। फिर धागा पीछे करके इसको आप 3 फंदा को 1 फंदा बनाना है आगे से। देखिए, सीधे से फिर धागा आगे करके अब एक बार उल्टे से बनना है। देखिए, आपको यही करना है, एक बार उल्टे से, एक बार सीधे से, फिर से एक बार उल्टे से, 3 3 फंदा में आपको 3 फंदा निकालना है इसे। देखिए, अब आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर। 3 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा में 3 फंदा निकालना है। देखिए, फिर से रिपीट, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर धागा आगे, फिर 3 फंदा को अनरैप करना है। फिर फर्स्ट में 3 फंदा को 1 फंदा बनाना है उल्टे से। फिर धागा पीछे करके फिर आगे से, फिर पीछे से। देखिए, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। फिर लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा, इसको सीधा बुनना है, 1 2 3 4। अब थर्ड रो रॉन्ग साइड, एज स्टिच स्लिप करना है। फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आपको देखिए 3 फंदा सीधा फंदा में आपको 2 2 बार एन ओवर करना है उल्टे से, 1 2 1 1 2 2 1 2 3। फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2
तीन। देखिए अब आपको ये रिपीट करना है, इसलिए फंदा को छोड़कर तीन फंदा में आपको दो दो बार यहाँ नंबर करना है, एक दो तीन, फिर तीन फंदा उल्टा, यही रिपीट करना है। देखिए फिर से रिपीट, एक तीन फंदा में दो दो बार यहाँ नंबर करना है, एक दो तीन, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। देखिए यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है। फिर लास्ट में आपको देखिए तीन चार फंदा बचेगा, इसको क्या करना है, तीन फंदा में भी आपको दो दो बार यहाँ नंबर करना है। देखिए एक एक दो एक तीन, तीन फंदा में दो दो बार यहाँ नंबर करके फिर एक फंदा है जिस चीज़ को उल्टा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ रो राइट साइड लास्ट रो आपको देखिए क्या करना है, एज स्टिच को स्लिप करना है, फिर धागा आगे, फिर तीन फंदा को अनरैप करना है, एक दो तीन। देखिए यहाँ पर भी आपको रो टू की तरह ही आपको यहाँ पर तीन फंदा में एक फंदा निकालना है, फर्स्ट में आगे से, फिर सेकेंड में धागा पीछे करके आगे से, फिर पीछे से ऐसे करना है, फिर धागा आगे, फिर उल्टे से। देखिए एक फंदा उल्टे से, एक फंदा सीधे से, एक फंदा उल्टे से करके आपको तीन फंदा में तीन फंदा निकालना है, फिर धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा, सॉरी धागा आगे रखना है, तीन फंदा उल्टा, एक सॉरी धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। देखिए आपको अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर तीन फंदा अनरैप करके तीन फंदा में तीन फंदा निकालना है, फिर तीन फंदा सीधा। देखिए फिर से रिपीट, एक बार धागा आगे, तीन फंदा अनरैप करना है, फिर तीन फंदा में तीन फंदा निकालना है, एक बार उल्टे से धागा पीछे करके, एक बार सीधे से, फिर से एक बार उल्टे से, फिर धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। देखिए यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। फिर लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, देखिए क्या करना है, धागा आगे यहाँ पर भी आपको तीन फंदा अनरैप करना है, एक दो तीन, फिर इस फंदे को उल्टे से एक बार, फिर धागा पीछे आगे से एक बार, फिर धागा आगे एक बार उल्टे से, यहाँ पर भी तीन फंदा में तीन फंदा निकालना है, फिर एज स्टिच को आपको धागा पीछे सीधा बुनना है। देखिए फोर रो कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से फोर रो तक ही रिपीट करना है। फिर से यहाँ से आपको रॉन्ग साइड से, देखिए ये रॉन्ग साइड से रो वन से स्टार्ट करना है। देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा, लास्ट में। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।